फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बना रही हूँ चिकन भुना मसाला, बट थोड़ा सा मेरे स्टाइल में बनाऊँगी। सो मैंने यहाँ पे चिकन मैरिनेट करके रखा था। इसमें मैंने जो जो चीज़ें डाली है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, पर मैं फिर भी आपको बता रही हूँ। मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, दही और हल्दी, धाना जीरा पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर डाला है, और सारे मसाले डाल के अच्छे से मैरिनेट किया है। और लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला था ताकि वो थोड़ा सा मॉइस्ट रहे, और मैंने इसमें थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला भी ऐड किया है। अगर आपके पास है तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। सो मैंने इसको करीबन रात को मैरिनेट करके छोड़ दिया था। आप करीबन इसको कम से कम आधा घंटा तो मैरिनेट कीजिए। फिर मैंने यहाँ पे एज़ यूजुअल सारे हम मसाले लेंगे, जिसमें हम धाना जीरा, हल्दी, मिर्ची और नमक लेंगे, और जीरे से हम इसका छौंक करेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है एक कैप्सिकम जिसको मैंने ऐसे चॉप काटा है, हरी मिर्च लिया है, और ये है एक, और मतलब मीडियम साइज़ का एक बड़ा टमाटर लिया है। उसके साथ मैंने इसको काजू के साथ और या तो बादाम के साथ, आप चाहे आपके पास जो भी नट्स हैं, मैंने इसको काजू के साथ इसका पेस्ट बना लिया है। और यहाँ पे लेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट और दो मीडियम साइज़ के प्याज मैंने यहाँ पे चॉप करके रखे हैं। सो चलिए देखते हैं इसका वगार। तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पे मैंने ऑयल लिया था करीबन 2 बड़े चम्मच, और ये गर्म हो गया है। सो इसके बाद हम अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच जितना जीरा। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी हमने जो यहाँ पे प्याज चॉप करके रखा था वो मैं इसमें डाल दूंगी। सो फ्रेंड्स, मैंने इसमें डाली है हरी मिर्च। सो इसके साथ भी मैं इसको थोड़ी देर के लिए भून लूँगी। बस हम इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, बस थोड़ा ट्रांसलूसेंट हो जाए वहाँ तक ही इसे हमें भूनना है। देखिए, मेरा यहाँ पे प्याज जो है वो करीबन ट्रांसलूसेंट हो चुका है, अब वो थोड़ा सा ब्राउन होने की तरफ है। तो ये पॉइंट पे हम यहाँ पे डाल देंगे आधा चम्मच जितना अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने मैरिनेशन में भी अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, सो आप उस हिसाब से इसमें डालिए। सो इसको भी मैं थोड़ी देर 2 मिनट के लिए भून लूँगी अच्छे से। फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे अदरक लहसुन का प्याज और ये सब अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो हमने यहाँ पे टमाटर और काजू का पेस्ट बना के रखा था, वो मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको भी करीबन हम टमाटर अच्छे से भून जाए वहाँ तक इसको पकाएंगे। सो करीबन 3 से 4 मिनट हम इसको अच्छे से भूनेंगे। तो इसको करीबन भूनते हुए 3 से 4 मिनट हुए हैं, आप देख सकते हैं कि इसमें से ऑयल सेपरेट हो रहा है। सो अब मैं इसमें थोड़े से मसाले करूँगी। मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन आधी से थोड़ी सी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और आधे से थोड़ा ज़्यादा चम्मच मैंने यहाँ पे धाना जीरा पाउडर लिया है, और थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूँगी। मैंने वैसे चिकन के मैरिनेट में सारे मसाले पहले से डाले हुए हैं, सो आप अपने हिसाब से इसमें मसाले डालिए, और अगर आपको लगता है थोड़ा कम ज़्यादा तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और कलर के लिए मैं इसमें थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है वो थोड़ा सा डाल रही हूँ। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला के और मैं इसको 2 मिनट के लिए भून लूँगी ताकि हमारे मसाले थोड़े और अच्छे से पक जाएं। उसके बाद हम इसमें चिकन को डालेंगे। तो देखिए, यहाँ पे मेरा मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भून गया है। आप देख सकते हैं कि ऑयल ने भी छोड़ दिया है, इसमें मसाले में से तेल अलग हो रहा है। सो ये पॉइंट पर अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ जो हमारा चिकन है वो डाल देंगे। बस अब इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से मिलाएंगे हम। और गैस का फ्लेम आप ये पॉइंट पे थोड़ा सा हाई रखिए,
जब ये चिकन अपना पानी छोड़ने लगेगा उसके बाद हम देखते हैं इसको, हम थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ देंगे। इसमें से ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा है, टमाटर है, दही है, सो चिकन खुद का भी पानी छोड़ेगा। सो अभी इसको थोड़ी देर के लिए ढक के छोड़ दूंगी मैं। फ्रेंड्स तो देखिए इसको पकाते हुए मुझे करीबन 15 मिनट हो चुके हैं। सो चलिए अब इसको हटा के देखते हैं, मैंने इसमें अभी तक पानी नहीं डाला है। सो देखिए चिकन ने और टमाटर दही इन सब ने अच्छे से इसमें पानी छोड़ दिया है। सो इसी के पानी में ये अभी तक कुक हुआ है। सो बस इसको इसी तरह से थोड़ी देर हम पकाएंगे, और जब तक चिकन हमारा थोड़ा सा पक जाए, अच्छे से गल जाए, इसको और थोड़ी देर में करीबन 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूंगी। और मुझे अगर इसमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए लगेगा तो मैं इसमें और थोड़ा पानी भी ऐड करूँगी। गाइस 5 मिनट हुए हैं और अब मुझे लग रहा है कि मुझे इसमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ग्रेवी के साथ अच्छा लगता है। सो बस अब इसको जब तक ये होगा, इसको चिकन जब तक हमारा अच्छे से गल जाए, अब इसको हम ढक के छोड़ देंगे। और जो हमारा फ्लेम है गैस का, वो थोड़ा सा मीडियम टू स्लो पे ही रखेंगे। और ये टाइम पे मैं इसमें जो हमारा कैप्सिकम था वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। कैप्सिकम मिस मत कीजिए क्योंकि ये इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। सो कैप्सिकम ज़रूर डालिए, अगर आप पसंद नहीं करते तो आप मत डालिए बेशक, बट आप इसके साथ ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत बढ़िया लगता है। सो अब इसको मैं ढक के छोड़ दूंगी जब तक हमारा चिकन जो है वो अच्छे से गल जाए। तो फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे चिकन को पकाए हुए करीबन 15 मिनट हो चुके हैं। सो देखिए अब ये बिल्कुल लगभग तैयार है। सो इसमें जो ग्रेवी है मैंने इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रखी है, आप इसे चाहे तो थोड़ा सा ग्रेवी को और ड्राई करके इसको भुना बना के खा सकते हैं। सो ये मोमेंट पे मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी और हरा धनिया, और इसमें मैं थोड़ा सा ऊपर से डाल दूँगी, मैंने यहाँ पे लिया है चिकन टिक्का का मसाला। आप कोई भी चिकन का या गरम मसाला ऊपर से थोड़ा सा डाल दीजिए फ्लेवर के लिए। सो मैं इसमें थोड़ा सा चिकन टिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ, और बस अभी हमारा लगभग तैयार हो चुका है। इसको और मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। इसको आप खा सकते हैं बढ़िया नान के साथ, रोटी के साथ, या तो फिर राइस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। देखिए फ्रेंड्स हमारा चिकन जो है वो एकदम रेडी हो चुका है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। सो फ्रेंड्स अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में भी बताइए कि आपको ये कैसी लगी, आपने ट्राई किया या नहीं। और प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, मैंने अभी अभी ये चैनल स्टार्ट किया है। सो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, थैंक यू।